सो हेलो एवरी वन, माई नेम इज़ प्रकाश। सो आई एम वर्किंग इन TCS एंड मैं एक स्टूडेंट हूँ स्केलर अकेडमी का। मैंने इनरोल किया है फुल स्टैक डेवलपर कोर्स में। सो आज हम बात करने वाले हैं वो डिमांडिंग 4 ईयर UG कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम, दिस इज न्यूली लॉन्च बाय स्केलर स्कूल्स टेक्नोलॉजी के बारे में। सो ये डिटेल वीडियो होने वाला है स्केलर स्कूल्स टेक्नोलॉजी के ऊपर, एंड इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं, लाइक वॉट इज स्केलर स्कूल्स टेक्नोलॉजी, हाउ दे विल हेल्प यू, कंपेरिजन विद अदर कॉलेजेस, प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस एंड ऑल। सो एंड तक बने रहो और इस चैनल को सपोर्ट करो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स गो। सो स्केलर स्कूल्स टेक्नोलॉजी एक इंस्टीट्यूट है जो आपको ऑफर करती है बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। सो ये 4 ईयर का कोर्स है जो बैंगलोर में उसका कैंपस है, और उसकी बैच स्टार्ट होने वाली है जुलाई 23 से। सो जिसको भी अपना करियर IT में करना होगा उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। सो हाउ SST विल हेल्प यू टू सक्सेड यू इन IT करियर। सभी को पता ही होगा हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत आउटडेटेड है। अगर हम 4 ईयर की इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट करने के बाद हमको मार्केट में जॉब्स नहीं मिलते तो हमको फिर से 1 ईयर प्रिपरेशन करना होता है IT के लिए। तो उसके बाद हमको लगभग 3-4 LPA तक पैकेज मिल जाता है। सो अभी रिसेंटली AI भी ग्रो हो रहा है, लाइक ChatGPT। सो उसके कम्पीट में ऐसे लोग होने चाहिए जिनको इंडस्ट्री लेवल का नॉलेज हो। यही विजन एंड मिशन के साथ SST आगे बढ़ रहा है, और यही चाहते हैं कि लोग हाईली स्किलेबल हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो IT में, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लेवल का नॉलेज मिले। सो यही SST का विजन एंड मिशन है। सो अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो स्केलर स्कूल्स टेक्नोलॉजी में 12 पास आउट जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो जस्ट पास आउट होने चाहिए, 2017 के ऊपर ही पास आउट होने चाहिए, और कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड के होने चाहिए, लाइक CBSE, स्टेट बोर्ड एंड एनी अदर बोर्ड भी चलेगा। सो अगर हमको एडमिशन प्रोसेस करना होता है तो सबसे पहले स्टेप होती है उनकी वेबसाइट पे जाके हमको अप्लाई नाउ पे क्लिक करके सबसे पहले हमको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो उसमें बेसिक डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स और स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो फिल करने होते हैं। सेकेंड स्टेप होता है एंट्रेंस टेस्ट। सो इसके लिए हमको स्लॉट बुक करना होता है फॉर स्केलर नेशनल स्कॉलरशिप एंड एंट्रेंस टेस्ट के लिए। उसकी फीस होती है 1000 रुपीज़। उसके बाद हमको उस टेस्ट के लिए अपेयर करना होता है, तो 120 मिनट की वो एग्ज़ाम होती है। तो उसमें 4 सेक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं। सो वो हमको 120 मिनट्स में वो क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने होते हैं। बाद होता है हमारा पर्सनल इंटरव्यू। सो अगर हम क्लियर करते हैं जो भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो उसके बाद हमको 1-to-1 इंटरव्यू होता है, जस्ट फॉर चेकिंग हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, हमारा एम क्या है, जस्ट वो चेक करने के लिए वो पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो अगर आपका एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू कंप्लीट होता है तो कुछ 15 या 20 डेज बाद आपको एडमिशन्स एंड स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग रिजल्ट मिलता है उनकी वेबसाइट के थ्रू। तो वहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं, एक्सेप्टेड, वेटिंग लिस्ट एंड रिजेक्टेड। जो भी लोग एक्सेप्टेड में होते हैं तो उनको एडमिशन मिलता है, लोग वेटिंग लिस्ट में होते हैं उनका एडमिशन का कंफर्म नहीं होता है, और उसके बाद रिजेक्टेड कैंडिडेट में फर्स्ट टेस्ट में और पर्सनल इंटरव्यू में फेल होते हैं, तो इसलिए वो रिजेक्टेड में आते हैं। हम बात करें करिकुलम के रिगार्डिंग, तो उन्होंने करिकुलम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फेज 1 18 मंथ्स का होता है, उसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको टीचिंग किया जाएगा। उसके बाद फेज 2 में 12 मंथ तक आपको पेड इंटर्नशिप दी जाएगी। उसके बाद फेज 3 में फॉर 18 मंथ्स स्पेशलाइजेशन पे आपको टीच किया जाएगा। तो अगर हम फेज 1 में देखते हैं उनका सिलेबस, तो आपको जावा बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो भी रिक्वायर्ड है बेसिक से एडवांस लेवल तक, वो आपको फेज 1 में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद बिल्ड वेब सर्वर विथ 100K कॉन्करेंट रिक्वेस्ट, बिल्ड एन ऑनलाइन एक्सेल शीट विथ 1 million+ rows, बिल्ड एन ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है आपको इस फेज 1 में आपको टीच किया जाएगा। उसके बाद इम्प्लीमेंट HTTPS एंड RC इंक्रिप्शन, ये आपका सारा फेज 1 में टीच किया जाएगा आपको। अगर हम फेज 2 के बारे में बात करें,
तो फेज टू में आपको पेड इंटर्नशिप ऑफर की जाएगी स्केलर स्कूल टेक्नोलॉजी की तरफ से। सो आप इस पेड इंटर्नशिप पर लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हो इस कंपनी में। पेड इंटर्नशिप मिलती है, उसके साथ साथ आपको एक वन टू वन मेंटर दिया जाएगा, तो थ्रू आउट आपकी जर्नी में आपकी वो हेल्प करेगा। उसके बाद अगर हम फेज थ्री के बारे में बात करते हैं, तो फेज थ्री में जो भी स्पेशलाइजेशन होता है उसमें मोस्टली फोकस किया जाता है, वो होता है 18 मंथ्स का होता है। अगर हम टॉपिक के बारे में बात करें तो लर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट टाइमलाइन एस्टिमेशन, टूल्स लाइक गैंट चार्ट्स, स्टैक होल्डर मैनेजमेंट बेसिक्स, वो सारी चीज़ें आपको इस फेज थ्री में पढ़ाई जाएगी। इन्हीं टू स्पेशलाइजेशन, इसमें आपको देखिएगा 4 स्पेशलाइजेशन होगी, इंजीनियरिंग लीडरशिप ट्रैक, मैंग ट्रैक, अल्गो ट्रेडिंग ट्रैक और AI और ML ट्रैक। इन चारों में से आपको 2 ट्रैक सेलेक्ट करने होंगे, उसके बाद उसी ट्रैक पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये तो हमने बात कर लिया है करिकुलम के रिगार्डिंग। इनका करिकुलम बहुत ही इंडस्ट्री लेवल का लग रहा है, जैसे हमारे कॉलेज में होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ऐसे नहीं है। जितना भी कंपनीज में लगता है वही उन्होंने अपने करिकुलम में एडोप्ट किया है। इसके बाद अगर हम फीस के रिगार्डिंग बात करें, तो इनकी फीस टोटल होती है 18 लाख रुपीज़ फॉर 4 ईयर्स। तो 18 लाख में आपका हॉस्टल मेस फीस होती है, ट्यूशन फीस होती है, एडमिशन फीस होती है, प्लस इसमें आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। जितने भी 4 टाइप्स के उसमें स्कॉलरशिप है, अगर जिस भी आप स्कॉलरशिप में एलिजिबल होते हो, तो 20 से लेके 50% तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप एलिजिबल होते हो तो। ये सिर्फ आपका जो रफली फिगर है, इसमें स्कॉलरशिप के बेस पे कम ज़्यादा हो सकता है। फीस होगी फर्स्ट ईयर की 50,000 रुपीज़ एंड ट्यूशन फी होगी 3,25,000। उसके बाद हॉस्टल मेस फीस होगी 1,30,000 ऑनवर्ड्स होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका टोटल कॉस्ट जाता है 18 लाख रुपीज़। कंपेयर करें अदर कॉलेजेस से, उनकी लगभग ओपन कैटेगरी के लिए फीस होती है 1 लाख रुपीज़ फॉर 1 ईयर के लिए। हमारा एडमिशन फीस, हॉस्टल, रेंट, वो सारा पकड़ के हमारा 1 ईयर के लिए 4 लाख हो रहा है। तो जो भी डिग्री होती है 4 ईयर्स की होती है, 4 × 4 7 लाख रुपीज़ हमारे उस डिग्री के लिए जाते हैं सिर्फ। यहाँ की फीस और अपने कॉलेज की फीस सेम ही है। जस्ट इसमें आपको इंडस्ट्री लेवल का नॉलेज मिलेगा विथ डिग्री। जो भी डिग्री होगी वो आपकी रिकॉग्नाइज होगी पूरी इंडिया में, तो उसके थ्रू आप किसी भी कंपनी में कौन सा भी जॉब ले सकते हो। वो बिट्स पिलानी, आपने नाम सुना होगा, उनके यूनिवर्सिटी की उनकी डिग्री होगी। अगर हम स्कॉलरशिप के बारे में बात करें, तो फर्स्ट स्कॉलरशिप है वुमन इन कोड स्कॉलरशिप, ये सिर्फ जो भी वुमेन है उनके लिए है। अगर कोई कोडिंग कॉन्टेस्ट में अच्छी रैंक लाता है, तो उन सारे कैंडिडेट्स के लिए ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। अगर हम ब्राइटर फ्यूचर स्कॉलरशिप के बारे में बात करें, तो यहाँ पे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट विद एन एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। जिनका भी 8 लाख के नीचे एनुअल इनकम होगा उनके फैमिली का, तो उनको ये ब्राइटर फ्यूचर स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद होती है ब्राइटेस्ट माइंड स्कॉलरशिप, उनका एलिजिबल क्राइटेरिया कैंडिडेट हु हैव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल एकेडमिक परफॉर्मेंस इन टेस्ट सच एज JEE, CBSE एग्जाम एंड एक्सेट्रा। तो जिन्होंने भी JEE और CBSE में अच्छी रैंक लाई होगी, वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। और स्कॉलरशिप इज द यंग कोडिंग इन टू JEE स्कॉलरशिप। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैंडिडेट दैट आर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोफिशिएंस इन कोडिंग थ्रू देयर अकम्पलिशमेंट्स इन कोडिंग कॉम्पिटिशन, पर्सनल प्रोजेक्ट्स एंड अदर रिलेटेड एक्सपीरियंस। सेम एक वुमेन एंड यंग कोडिंग इन टू JEE स्कॉलरशिप है बॉयज़ के लिए है। स्कॉलरशिप का यूज़ करके आप अपनी जो भी फीस होगी वो आप कम कर सकते हो। हम डिग्रीज के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डिग्री मिलेगी। तो ये 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, बैचलर एंड मास्टर होता है। तो आपको के तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट स्केलर स्कूल्स टेक्नोलॉजी। तो उसका सैंपल ऐसा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्केलर स्कूल्स टेक्नोलॉजी के तरफ से आपको एक 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस में ऐसा आपको। उसके बाद आपको बीट्स पिलानी के तरफ से आपको डिग्री दी जाएगी। तो उसका सैंपल आपको यहाँ पे देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, जैसे आपको बिट्स पिलानी के तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिया दिया जाएगा। तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में रिकॉग्नाइज होता है, बहुत ही बड़ा नाम है बिट्स पिलानी का, अगर तो आप सर्च करोगे आपको पता चलेगा। उसके बाद आपको थर्ड सर्टिफिकेट मिलेगा,
मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस बाय वुल्फ यूनिवर्सिटी। सो ये जो सर्टिफिकेट है, अगर आप ओनली इनका सर्टिफिकेट का डिमांड होता है वुल्फ यूनिवर्सिटी से, भी आपको मास्टर इन कंप्यूटर साइंस का सर्टिफिकेट मिलेगा वुल्फ यूनिवर्सिटी से। सो आपको तीन टाइप्स के यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा, एक मिलेगा बिट्स पिलानी से बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, उसके बाद मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस बाय वुल्फ यूनिवर्सिटी, उसके बाद थर्ड मिलेगा आपको स्केलर स्कूल टेक्नोलॉजी की तरफ से प्रोफेशनल सर्टिफिकेट बाय स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसे तीन तरह से आपको सर्टिफिकेशन मिला जाएगा। बट अगर हम बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में, तो इनका स्केलर स्कूल टेक्नोलॉजी का और स्केलर अकेडमी का बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के साथ टाइप होता है। जैसे आप देख सकते हो कि इस इमेज में जितने भी वर्ल्ड में प्रोडक्ट कंपनीज है उनके साथ स्केलर का टाइप होता है। गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, फ्लिपकार्ट, जितने भी यहाँ पे आपको कंपनी दिखाई दे रही है, ये सारे टाइप होता है। जैसे आप डैशबोर्ड पे जाओगे स्केलर वगैरह के, तो आपको इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल सकते हैं। स्केलर स्कूल टेक्नोलॉजी और स्केलर एकेडमी के फाउंडर है अंशुमन सिंह, वो एक्स फेसबुक एम्प्लॉय थे, उन्होंने बिल्ड किया था फेसबुक मैसेंजर। उसके बाद अभिमन्यु सक्सेना जो को फाउंडर है, इन दोनों ने बहुत ही अच्छा विजन लेके आए है। आई होप उनको सपोर्ट मिले सबकी तरफ से। कोई वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।